अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से पहुँच चुके हैं सिस्टर के घर और आए थे सिस्टर को भी मिलने, और अम्मा आई है तो उनको भी वेलकम करना था, और चाचू को मुबारकबाद देनी थी, अम्मी को भी, कि वो सही सलामत गए मदीना मुनव्वरा और वहाँ से उम्रे की सआदत नसीब हुई। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, पूरी उम्मत मुसलमान को वह ये सआदत नसीब फरमाए, और ये हमारे लिए रहमत आलमी है, और माँ भी हमारे लिए एक जन्नत का दूसरा नाम है। तो अल्लाह ताला पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार, बच्चों को सलाम दिल की गहराइयों से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, माँ से मिले हैं इतने टाइम के बाद, तकरीबन दो ढाई महीने के बाद, और सिस्टर के घर भी काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा जो है ना गाँव में खेतों का काम चल रहा है काफ़ी, तो टाइम नहीं मिला। और सिस्टर ने गाड़ी ली, मुझसे बात की थी कि मैं गाड़ी ले रही हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला आपको यूँ ही बहुत सारी खुशियाँ दे, पूरी यूट्यूब फैमिली को खुशियाँ दे। तो मैं जैसे ही फारग हूँगा तो आपके घर आऊँगा, आपको मुबारक दूँगा। और मैंने अपने दूसरे फारूक यासिन फैमिली व्लॉग में भी एक सरप्राइज़ की बात की थी कि जश्न हो और सेलिब्रेशन करेंगे, तो वो यही बात थी, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं इनके पास ही आकर आपसे शेयर करना चाहता था ये बात, तो वो यही बात थी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक छोटी बहन गुड़िया को, सितारा को, जो उसने गाड़ी ली और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ वो बहुत खुश है। और उम्मीद करता हूँ आप सब पूरी यूट्यूब फैमिली जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बहन को, मेरी बच्ची है वो, और बाकी जो भी मेरे कज़न हैं, तो जो जिनको भी आप सबको मैं दिल से कर रहा हूँ आप सबको सपोर्ट करें, हम भी दिल से आप सबको सपोर्ट करते हैं। और मेरा जो दिल का हाल है वो यही है कि हम सब आपस में मिल जुड़ कर एक साथ यकजहती के साथ एक फैमिली होकर यूट्यूब फैमिली के साथ या अपनी ज़िंदगी का रवान दवान जो ही सफ़र है वो गुजारे। तो आइए चलते हैं आगे की रूटीन की तरफ। अम्मा से भी आपकी मुलाकात कराते हैं, सिस्टर से, बच्चों से, तायबा, आयात, मुस्तफ़ा, साजिद भाई, चाचू से भी मिलते हैं, तो जो भी आज की डेली की रूटीन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि मेरा व्लॉग आज काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, और ये वजह यही है कि यहाँ आता हूँ तो काम नहीं होता तो व्लॉग बनाते हैं, घर जाता हूँ तो कभी टाइम मिलता है तो बनाते हैं, नहीं मिलता तो बस आपके सामने, आप दूसरे मेरे चैनल में देख रहे हैं फारूक यासिन फैमिली व्लॉग में, कि सुबह उठते ही काम शुरू हो जाता है, गाँव का, मवेशियों का, कहीं आना, बाहर जाना, बच्चों का, स्कूल का, यानी अकेला आदमी हूँ आपके सामने, काफ़ी मेरे पास जो काम है, तो मैं व्लॉग स्पेशली अलग-अलग दूसरा नहीं बना पाता, कोशिश तो है कि बनाऊँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो सो थैंक यू सो मच आप सबका प्यार जो ही मेरे लिए, मेरी दुआएं आप सबके लिए। तो आइए आपसे आगे आपसे मुलाकात कराते हैं। अबू यहाँ पर सो गए, अम्मी गई हैं फ्रेश होने, पता नहीं फारूक कहाँ चले गए। अरे माऊ बैठा हुआ है, आप क्या करेंगे? माऊ के लिए चिकन बॉयल कर लिया। अच्छा आज अच्छा इसको भी पता है ना हमारा, जब भी आए तो इसको पता कैसे चल जाए, आपका कुछ ज़्यादा ही पता इसे। और ये बैठी कैसे इंतज़ार में कि मेरी चिकन बॉयल हो रही है। माओ का चिकन जो है बॉयल हो चुका है, तो भी इसे ठंडा करके देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी टाइम के बाद में आया हूँ, तो ये भी मुझे मिस कर रहा है, तो डोंट वरी मैं आ गया हूँ ना। तो ये जी आपका आ जाए यहाँ पर आ जाए। और ये जी आपका चिकन, तो ये देखिए बच्चे तो बच्चे, अगर आप पालतू मवेशियों से भी प्यार करें तो वो भी आपको दिल दे देते हैं। अच्छा आप तो नहाने गए थे, ये आ गया था आपके पास नहीं यहाँ पे बैठा? पास आ गया, फिर मैंने टाइम देखा कि टाइम नाश्ते का टाइम हो गया, इसे भूख लगी होगी, तो फिर मैंने नहाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैंने कहा पहले इसे नाश्ता दे दे। ओके सी यू। और क्या बातें हो रही हैं आपकी? क्या बातें करें, अम्मा कल से हम रात से आए हैं तो अम्मा भी थकी हुई थी, सफ़र करके आई, और अम्मा की जो है ना घुटनों में बहुत तकलीफ़ है, तो मैं रात हल्दी से जो है ना दबाता रहा, तो हम तो माँ बाप की खिदमत ही कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं। तो अम्मा कैसा रहा आपका उम्रा और सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। लेकिन इस बार आपको तकलीफ कुछ ज़्यादा हुई है? हाँ, तकलीफ हुई है, जो टांगों में दर्द था ना, इसलिए। तो
हम सब और पूरी यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी माँ के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जल्दी से जल्दी अभी दे। और मैं भी सबके लिए दुआ करता हूँ कि हर कोई अपनी फैमिली में खुश रहे। और यहाँ आने का मकसद ये था, अम्मा से भी मिलने आए थे, वेलकम करना था, और सिस्टर को भी उसकी गाड़ी की मुबारक देनी थी। तो यही मेरा सरप्राइज़ था जो मैं उसे घर आके देना चाहता था। काफ़ी कमेंट्स आए कि आपके भाई ने जो है ना क्यों नहीं मुबारक दी। मैंने यही सोचा कि मैं अम्मी भी आ जाएंगी तो मैं वहाँ पर घर जाके दूंगा, तो उनको भी मुबारक दी, वो भी बहुत खुश हैं। और बच्चों से मिले, अभी वो सो रहे हैं तो जैसे उठते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो बस मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम, और ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं पूरी यूट्यूब फैमिली को और अपने पूरे ख़ानदान को, परिवार को, कि देखें भी मैं किसी के बारे में कोई बात भी नहीं करता और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो एक हाँ एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे से प्यार करें और अपने पूरे परिवार ख़ानदान को आपस में मिलजुल कर रहें और किसी के ऊपर कोई भी बात ना करें। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे। देखें किसी के बारे में कितना ही आप बातें करें, कितना ही बातें करें, एक साल करें, दो साल करें, दस साल करें, एंड क्या होता है, जो भी आप मूवी उठा लें, जो भी आप कोई किसी की कहानी उठा लें, एंड यही होता है कि सुलह होती है। तो उस काम का फ़ायदा क्या है जिसमें आप 10 साल परेशान हों, आप भी दूसरों को भी करें, 10 साल के बाद फिर हुई। तो ये एक मैसेज था। तो थैंक यू सो मच कि आप जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहें और अच्छा पैगाम दें दुनिया को कि हमारी कैसी फैमिली है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मेरे बारे में कोई कुछ कहे या ना कहे, ठीक है। तो जैसे ही माँ के पास है तो मैंने बहुत प्यार दिया और समझाया, जो भी काफ़ी आपस में लोग बात कर रहे हैं फैमिली वाले एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने तो अम्मा से कहा कि आप मेरी वीडियो चेक करें, मैंने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की। तो अम्मा ने फिर सबको समझाया प्यार से। तो अभी तो यही कहा है सब झगड़े खत्म करो, ये क्या यूट्यूब क्या रोज रोज नए नए रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपस में तो मिलजुल करो। तो सब ने मेरी बात मानी, आगे अल्लाह ने हिदायत दी, अम्मा ठीक है। आप सबकी दुआ तो वैसे भी चार आंखों पर माँ है। तो सुना है मदीने का सफर कैसा रहा, कैसे हरम में गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा एक वो जगह है जहाँ पर इंसान जाए तो उसे औलाद भी भूल जाती है और माँ बाप भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये मदीना खाना काबा ऐसी पाक रहमत जगह है, मुकद्दस, जिसका कोई और मकाम बयान नहीं कर सकते इससे बढ़कर। तो मैं एक बार वहाँ गया था लेकिन अब जाने की हसरत है, लेकिन मेरे सर के ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, तो जाएंगे इंशाल्लाह, अपनी वाइफ के बच्चों के साथ जाऊँगा इंशाल्लाह, अम्मा को भी साथ लेके। तो मेरी ये दिल की हसरत है कि मैं अम्मा के साथ जो है शादी करके फिर हाँ हाँ, तो अम्मा के साथ अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अम्मा के साथ बच्चों के साथ जाएँगे इंशाल्लाह, उम्रा करेंगे, यही दिल की हसरत है। और मेरा एक छोटा सा ख्वाब है वो है मस्जिद का, तो उसे भी मैं इंशाल्लाह, और कोई दिल में हसरत नहीं है, उसे बना के छोड़ूंगा। अगर मैं दुनिया से चला गया तो ये मैं अपनी फैमिली को मैसेज दे रहा हूँ कि उसे जो है ना बनाना है, जो मेरा दिल की ख्वाब है, बस इंशाल्लाह। और चाचू सुनाए आपका सफर कैसा रहा, आपको भी उम्र की मुबारक, आपसे इस्लाम और उम्र करके, और कैसे आप फील कर रहे हैं यहाँ पर पहुँच कर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। अभी तो ये लंबा टूर के बारे में आप जा रहे हैं कश्मीर। हाँ। तो मैं वैसे कुछ दिल की बातें हैं शेयर कर ही दूं कि वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई और इतना सफ़र, आपको शुगर की भी है तकलीफ थोड़ी सी, चलने फिरने से तुम्हें पता है। हाँ वो तो शुगर ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम तो हमारे साथ जितना है ना उधर जी जी कोई भी मेरे साथ चल के दिखाए, ये हौसला जो है ना चाचा वो लेके जा रहा है कश्मीर, कागान, मर्दान, मरी, सब कह रहे हैं कि और ज्यादा है नहीं जाओ, सब लोग वहाँ ये है कि सुबह बारिश होती है तो हाँ, क्योंकि मौसम बहुत ही खुशगवार होता है, हमारे ठंड है, मौसम अच्छा है। हमारे पाकिस्तान में तो कहते हैं कि ये जो कश्मीर है जन्नत का एक टुकड़ा है, और इंडिया वाले भी यही कहते हैं, वो भी इसे जन्नत का एक टुकड़ा मानते हैं। तो ये 50-50 जो है ना पाकिस्तान में है हिस्सा, इसका 50 इंडिया में, हिंदुस्तान में है।
तो वो भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं इससे तो, कि हम भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला यूं ही हमें हमारा पड़ोसी मुल्क है यूं ही एक दूसरे को हंसता मुस्कुराता है। तो ज्यादा की थी अंग्रेजों ने कि ये जो टुकड़ा है ये सोने की चिड़िया है, इसको तकसीम को इसी पे झगड़ा रह जाएगी सारी दिन। अभी वो कहते हमारा है, हम कहते हमारा है, बस मैं तो कहता हूँ लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक क्या मिला किसी को? एक जन्नत का टुकड़ा है, बेशक बेशक ये खुदा का करिश्मा है, उसका पानी, उसका खुराक, अल्लाह ताला जो है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आपस में मिलजुल कर माँ को मैं दिखाई दी, एक औरत बहरे जी वहाँ 130 साल की बकरी तैयार है पूजो पहाड़ों पे, 130 साल उम्र थी कश्मीर में, कश्मीर में 130 साल की तंदुरुस्त रहता है काम करने से। तो अभी मैं आपके सामने हूँ, देखें मैं भी काम कर रहा हूँ खेतों में, तो मैं फिट हूँ तंदुरुस्त हूँ, तो ये कोई फखर की बात नहीं है। शहरों में तो जिम इस्तेमाल जिसे कहते हैं, वर्जिश करते हैं, रोडों पे भागते हैं, जिम करते हैं, ठीक है। हमारी जिम ये है कि हम कहीं जिसे उर्दू में काम करते हैं, खेतों में काम करना और मवेशियों को पालना, ताज़ा फ्रेश बफलू का गाय का दूध पीना, मक्खन घी, ये चीज़ें हमारी खुराक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट हैं, हमारे बच्चे भी तंदुरुस्त हैं, और ये नहीं कि शहर वाले तंदुरुस्त नहीं होते, वो भी तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा। चलने फिरने से ना जी, पहले देखो एक शहर एक डिस्पेंसरी छोटी नहीं होती जी जी, अब देखो शहर में कितना, हमारे शहर में कितना मेडिकल स्टोर है, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं, लोग चलते फिरते नहीं, फ्रिज एसी, फ्रिज एसी, ठंडा कोल्ड, ये वो, उस वक्त ये नहीं थी, ही थी मक्खन था, चलते थे जबाका थे, तो इसी वक्त कुछ डला रही है शायद गेट पर, वो नहीं जाए, मम्मी जा रही है ना दवाई लेने, इसको फिर यहाँ से बुखार आ गया, इसकी भी मेडिसिन चल रही है, और अम्मी का भी मेडिकल जो है ना अभी चक्रा गए हैं, तो अम्मी को उन्होंने कहा है कि आपका जो है ना वो हफ्ते तक इलाज चलेगा, उसके बाद जो है ना और ये भी हमारा जो चैनल है छोटा सा गुड़िया है, देखें कल से मैं आया हूँ तो कल सारा दिन खुश रही मेरे साथ, खेती कूद रही है, लेकिन रात से बुखार आ गया है, तो बस आप सब दुआ करें, हमारी खुशी को कैसी नजर लगी है, आप सब हमारे दुआ करें, मैं भी आप सब फैमिली के लिए बहुत बहुत दुआ और जी। तो माशाल्लाह हमारा जो है लंच लग चुका है, तो बाकी लोग भी आ रहे हैं और अम्मा भी नमाज पढ़ रही है, तो खाना स्टार्ट करते हैं। चले ये बैग से बिरयानी लेके आए हैं, और ये रायता जो है ये मैंने घर बनाया है स्पेशली रायता, ये देखें तो माशाल्लाह सिस्टर ने चाय बनाई है ज़बरदस्त। तो गए थे अम्मी के साथ सिस्टर और सजद भाई दवाई लेने, तो मैं थका हुआ था क्योंकि रात सफ़र का क्या है, तो मैं नहीं गया इसलिए, तो अम्मी के लिए बस दवाई कर रहे हैं। और भाई सुनाया भाई आज ये तो रात से सोया है, अभी से मैंने ज़बरदस्त उठाया कि मैं घर जाना है वापस, तो आप मेरे साथ बैठो तो थोड़ी देर, हाँ पता नहीं गपशप हो जाए, तो अभी साहब जी उठ के आए हैं मामू के पास से गपशप लगाने के लिए। तो मेरी तरफ से आपको मैं पहले भी कहा था कि मैं सरप्राइज कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ सका क्योंकि मैं मसरूफ था, मेरा चैनल आप सबके सामने जो है ना ब्लॉगिंग मैंने रोक रखी थी काम के, घर के काम मसरूफ वजह से, तो मैंने इस वजह से मुबारक नहीं दे पाए, तो मैं दिल से मुबारक दे रहा हूँ, फ़ोन पर तो मैंने दे दी थी पहले, लेकिन मैं वीडियो में नहीं आ सका, सॉरी उसके लिए पूरी यूट्यूब फैमिली से, लेकिन मैं दिल से बहुत बहुत मुबारक दे रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जो है आपको ऐसी खुशियाँ पूरे यूट्यूब को हंसता मुस्कुरात रखे, आपको मेरी बहुत बहुत दुआ है आपके लिए, बच्चों के लिए, मैं तो आपको अपनी बहन और औलाद की तरह मैं इसे मानता हूँ, ठीक है।
और मैं इतना अभी लेट आ रहा हूँ क्योंकि आप सबके सामने मैं अपने घर के काम में ज्यादा कुछ मसरूफ हो गया हूँ, अकेला आदमी हूँ। पता है असल में फारूक भाई उनका भी कसूर नहीं है। हाँ, हाँ, और देखते हैं ना रोज के ना फारूक भाई हमेशा वीडियो में आती है सितारा की हर खुशी में शामिल। बिल्कुल वो आपकी तो मसरूफियत थी, आपने मुझसे तो बात कर ली फोन पे, लेकिन वो सब आवाम जो देख रही होती उनको यकीन नहीं हो रहा होता की शायद ये खुश नहीं है, कोई नाराज नहीं, 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 कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, तो इस वजह से वो लोग पहले वो सोचने लगे। मेरा दूसरा चैनल है ना फैमिली का, फारूक यासीन के नाम का, आप उसमें देखें, मैं उसमें अपने घर के चैनल में भी आपको बहुत कम दिख नजर आऊंगा। हाँ। क्योंकि जैसे सुबह होते मैं नमाज पढ़ के चाय पी के बाद मैं गाँव चला जाता हूँ, फिर दोपहर को घर आता हूँ। फारूक भाई ज्यादा ना ये चैनल को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं रहते, जैसे होता है ना अपनी ऑडियंस के कमेंट पढ़ते रहना देखते रहना तो फिर पता होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या बातें चल रही हैं, तो ये ज्यादा इन चीजों से दूर ही रहते हैं। अच्छा अभी आप कश्मीर जा रहे हैं तो मेरे घर आएंगे या बैर से चले जाएंगे आप? अभी ऐसे सीधा सीधा निकल पड़ेंगे। ये देखिए ये मरी जा रहे हैं नरान और अम्मा को भी साथ लेके जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है भाई आप मर जाओ, ठंड है। नहीं नहीं है ठंड, कह रही इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल सफर तो है ना। इसे पता था, इसे तो पता था कि अम्मा बीमार है, तो वो कहती थी आ जाओ बहु आ जाओ, नहीं जाऊंगी अम्मा के साथ, आ जाओ आ जाओ इधर 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 अच्छा ठीक है। आप सब जा रहे हैं तो मैं आपके लिए दुआई करूंगा, क्योंकि मैं आज वापस जा रहा हूँ फिर, क्योंकि मुझे काम है, ये लोग सुबह चले जाएंगे कल, तो जैसे वापस आएंगे तो फिर इनसे मुलाकात होगी। बाकी डेली का व्लॉग देख रहे हैं एक दूसरे का, तो इंशाल्लाह सब दुआएं आप सब के लिए और इन बच्चों के लिए भी, आप सही सलामत जाएं और सही सलामत आएं। तो अम्मा के लिए बहुत बहुत पूरी यूट्यूब फैमिली से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी अम्मा के लिए दुआ करें कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँ, और मैं अगर मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो जाए तो सब यूट्यूब फैमिली में आई एम सॉरी, आप सबसे रिक्वेस्ट करके माजरा चाहता हूँ, और आपके बच्चों को आपको सबको मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत प्यार और सलाम। और कोई मैसेज अम्मा देना है तो मेरे लिए दे दे कोई दुआ कोई काम कोई। बस मैं क्या मैसेज, मसरूफ रहता है अकेला बंदा है, वो जमीनों में खेतों में काम करता है, मवेशी है इसके पास, तो चैनल बना तो लिए बस वो चैनल पे वो ज्यादा वो करता नहीं, वीडियो नहीं डालता, कभी कभी दो तीन माह हो जाते हैं वीडियो नहीं डालता अपने चैनल पे, कभी कभी डालता, तो बस ऐसे चलो अल्लाह पाक कामयाबी दे इनको, बस ये आप सबकी दुआ मेरे लिए ही सब कुछ है। थैंक यू फॉर दिस YouTube फैमिली। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्दी नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ मिलेंगे आपसे। ओके बाय, सी यू, लेट्स गो। नहीं आप क्यों परेशान हैं? तो ये भी हमसे मिलने आ गए, कुछ नहीं रोए नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे, दुआ करें अल्लाह पाक हमारी आबादी को रंग लाए। तो आपके कहने पे एक दिन तो रुक गए हैं, तो सब बच्चे भी आ गए, फिर मामू जा रहे हैं, और अम्मा आप क्यों रो रही हैं? बस इसे चलने फिरने से बैठ, अल्लाह देख लीजिए कहीं है पैर अम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं परेशान हो, हम आपके साथ हैं, देखना जल्दी ठीक हो जाएंगे। आज डॉक्टर ने तसल्ली की और जो मेडिसिन हम लेकर आए हैं उससे जल्दी आराम आ जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो, तकलीफ अल्लाह ताला प्यार हो गया। आप परेशान हो तो सो जाओ, तो फैमिली आज सब बात कर रही है, मांग रही है, ये बड़ा बड़ा जल्दी से आ जाएगा, कल अल्लाह पे ठीक है, फैमिली मम्मा बुरखा पहना हुआ देख लिया ना उसने।
चलते हैं अभी।